जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर 250 प्लस सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत आभार। मुबारक हो IPL फेज 2 का त्यौहार। दोस्तों, विराट कोहली पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी के साथ इस तस्वीर को लेकर या फिर T20 से कप्तानी छोड़ने को लेकर। लेकिन दोस्तों, अभी विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। ये उपलब्धि उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होने वाले IPL मैच में हासिल किया। ऐसा करने वाले विराट कोहली इंडिया के पहले और दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों, उनसे पहले डेविड वार्नर, क्रिस गेल, पोलार्ड और शोएब मलिक T20 में 10,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। दोस्तों, सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में विराट कोहली कहाँ पे हैं? टेस्ट और वनडे में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाला पहला प्लेयर कौन था? तो आइए दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया की बात करें तो T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब क्रिस गेल के पास है। इन्होंने 14,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं और क्रिस गेल के बाद उनके ही देश के एक दूसरे प्लेयर पोलार्ड का नंबर आता है, जो कि T20 में 11,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। वहीं पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर भी T20 में 10,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। दोस्तों, बात करें इंडियन प्लेयर्स की तो विराट कोहली के बाद T20 में सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा के हैं। रोहित शर्मा के नाम 26 सितंबर के हुए IPL मैच के पहले 9,348 रन थे। ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि रोहित शर्मा भी जल्द ही 10,000 वाले क्लब में शामिल हो जाएंगे। रोहित के बाद सुरेश रैना और शिखर धवन के 8,500 से ज़्यादा रन है T20 में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली अब T20 से कैप्टेंसी छोड़ चुके हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में विराट कोहली T20 इंटरनेशनल खेलना कम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रोहित शर्मा आने वाले एक साल में ही विराट कोहली से आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई T20 की, अब एक झलक टेस्ट और वनडे पर भी डाल लेते हैं। बात करें टेस्ट की तो 7 मार्च 1987 को सुनील गावस्कर टेस्ट मैच में 10,000 बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके थे। लेकिन वही टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का खिताब भारत के ही एक प्लेयर सचिन तेंदुलकर के पास है। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट के अपने कैरियर में कुल 15,921 रन बनाए हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर ओवरऑल देखें तो दुनिया के कुल 13 प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर में जो रूट का नाम सबसे आगे है। यहाँ पर जो रूट ने 9,278 रन बनाए हैं और विराट कोहली ने 7,765 रन बनाए हैं। दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं वनडे क्रिकेट के बारे में। 31 मार्च 2001 को वनडे क्रिकेट में भारत के ही सचिन तेंदुलकर 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। यही नहीं दोस्तों, सचिन तेंदुलकर वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी हैं। प्रेजेंट की बात करें तो इंटरनेशनल खेल रहे प्लेयर्स में विराट कोहली ही इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 254 वनडे खेलकर 12,169 रन बनाए हैं। कोहली के बाद रोहित शर्मा ने 9,205 रन और रॉस टेलर ने 8,581 रन बनाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। लाल वाले बटन को दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, उस घंटे के बटन को दबा दें, जिससे आगे भी हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।